उसे देखकर लगा कि अच्छे दिन एंकरों के आ गए हैं। जब आप मेहनत ना करें और प्रोग्राम को भरने के लिए एक ही बात को 10 बार दोहराएं तो इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, कार्यक्रम के भरने का फॉर्मूला। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर, 5 रफाल पाकिस्तान हल्का। इस तरह की पंक्तियों को एंकर बार बार बोलता रहता है। स्क्रीन पर रंगीन पट्टियां आती जाती रहती हैं, चमकदार तरीके से आपकी आंखों में चमक पैदा करती हैं। ऐसा लगता है नौचंदी का मेला है, कई तरह के रंगीन बल्ब स्क्रीन पर चल रहे हैं, 5-7 मिनट रफाल के आने पर ही निकल जाते हैं। एंकर की आवाज के साथ साथ म्यूजिक भी दिया जाता है ताकि आप में जोश आता रहे, आप भूल जाएं कि आपका गांव बाढ़ में डूबा है, आपके रिश्तेदार ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है और आपके दोस्तों की नौकरी चली गई है। स्क्रीन चमक रहा है, अब इसी तरह 5 मिनट निकल जाने वाला है। अगला 5 मिनट भरने के लिए स्क्रीन पर म्यूजिक से माहौल बना हुआ है। आप सहरसा में बैठकर भकुआए देख रहे हैं, बाप रे बाप रफाल आ गया है, आपके जिले के आधे लोग बाढ़ में डूबे हैं। जैसे ही ख्याल आता है कि गांव फोन कर बाढ़ का पता करें, तभी एंकर कई सारे प्रश्न स्क्रीन पर डाल देता है तो सवाल आएगा। स्क्रीन पर पहले आएगा नंबर 1, एंकर थोड़ा रुक कर पढ़ेगा ताकि म्यूजिक बज जाए और थोड़ा टाइम कट जाए। हाँ, तो पहला सवाल आता है, क्या रफाल के आने के बाद आंख मिला पाएगा पाकिस्तान? ? प्रश्न चिन्ह। अब ये सवाल कुछ सेकंड तक स्क्रीन पर लटका हुआ है, म्यूजिक बज रहा है, एंकर चेहरे का भाव बदलता है, तभी नंबर 2 स्क्रीन पर धमाके की तरह आता है। लगता है कि सवाल नंबर 2 आ गया है, क्या चीन के पास है रफाल का जवाब?